आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस बढ़ रही है, साथ साथ देखने में आ रहा है कि वो प्रॉब्लम भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, जो जो लोग अपने घर से दूर कहीं जॉब कर रहे थे, कहीं अपनी सर्विसेज दे रहे थे, वो सभी ईगर हैं कि वो अपने घरों को सुरक्षित वापस लौट जाएं। तो इस भागदौड़ में क्या हुआ कि आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ जमा हो गई है बस स्टैंड्स के ऊपर। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक थिंग है वो यही है कि जो भीड़ जमा हुई है वही इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उनमें इतनी भीड़ में अगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरों में भी खुद फैला देंगे। तो ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी देश के आगे खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कई इंडिविजुअल्स, कई सेलिब्रिटीज़, कई सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, कईयों ने लंगर लगाए हैं, कोई दालों की, सब्जियों की, राशन की, भिन्न भिन्न तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये बात ऑब्वियस ही है कि सभी लोगों को राशन की, दालों की, सब्जियों की, सभी सहूलतों की ज़रूरत है। और इसको देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। सेवा करना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सेवा करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, उनको सामान बांटा जाए तो उनको सेफ वे से बांटा जाए ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ना बढ़े। लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने दिल खोल के इस ये जो प्रॉब्लम है इसके खिलाफ अपनी हेल्प करी है। ये बहुत ही महान काम है, बिकॉज कंपैशन इज मेडिसिन। अगर हम किसी से सिंपैथी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, इससे बड़ी दवाई कोई भी नहीं है। क्या हम सिर्फ पैसे से ही मदद कर सकते हैं इस क्राइसिस के समय में? हम किसी को मोटिवेट भी तो कर सकते हैं, जो लोग डरे हुए हैं उनको समझा सकते हैं, उनको जीने की होप दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंस, कोलीग्स, हम उनके अंदर एक पॉजिटिविटी जगा सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से मिलकर लड़ सकते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कोई एक पर्सन इससे नहीं लड़ सकता, ये कलेक्टिव एफर्ट है। अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ये टेस्ट है हमारे लिए कि हम इस टेस्ट को पास करते हैं या अपने आप को एक ना समझदार नागरिक होते हुए एक असफल दिखाई देते हैं। आपको पता ही है कि हमारे देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। किसी की मदद भी करनी है तो उसमें हाइजीन का और साफ सफाई का और सभी बातों का बड़ी ही गौर से ध्यान रखना है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरी कायनात इस समस्या से बच जाए। धन्यवाद।